क्या होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं और कैसे खुद से नॉर्वे का सीजनल वर्क परमिट अप्लाई शेयर करूंगा एक गुड न्यूज। जी हाँ, जो आ रही है यूरोप 900 यूरो तक आपकी सैलरी होगी जो कि द ट्रैवलर किंग देख रहे सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्वे के सीजनल वर्क परमिट के बारे में। जी हाँ, हम बात करेंगे कि नॉर्वे का सीजनल वर्क परमिट क्या होता है, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हम कैसे जॉब सर्च कर सकते हैं और कैसे खुद से नॉर्वे का सीजनल वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक गुड न्यूज़। जी हाँ, जो आ रही है यूरोप से, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे ये वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक मैसेंजर्स पे एक बंदे के मैसेज आए थे जो मुझसे पूछ रहा था नॉर्वे के वर्क परमिट के बारे में, क्योंकि कोई बंदा उस दोस्त को नॉर्वे का सीजनल वर्क परमिट ऑफर कर रहा था, वो भी सिर्फ 2.5 लाख रुपए में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सही है, ये पैकेज सही रहेगा या नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप नॉर्वे में जाकर क्या जॉब करने वाले हो, वो आपको किस जॉब के लिए वर्क परमिट आपका अप्लाई करेगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको फूड पैकिंग या स्टोर कीपर की जो जॉब्स है वो आपको मिल जाएगी। तो पहली बात तो ये, अगर आपके पास इंडिया में कोई स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप नॉर्वे में या किसी भी कंट्री में जाकर स्टोर कीपर की जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी सैलरी कितनी बता रहे हैं वो। तो उन्होंने बताया कि 900 यूरो के तकरीबन हमारी सैलरी होगी वहाँ पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि हम यूरोप के दूसरे देशों की बात करें तो उन सभी देशों के मुकाबले नॉर्वे और डेनमार्क में आपको अच्छी सैलरी मिल सकती है वहाँ पर। तो इसकी बात हम आगे करेंगे, ये एक रिक्वायरमेंट है उनकी कि कितनी सैलरी आपकी कम से कम होनी चाहिए अगर आप सीजनल वर्क परमिट या अदर्स वर्क परमिट वहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो नॉर्वे में मिनिमम वेजेस हैं वो 126 क्रोना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 50,000 रुपये उनको ऑलरेडी दे दिए हैं और बाकी के जो भी पैसे बचते हैं वो मैंने आफ्टर वीज़ा उनको देने हैं। इस बात पे मुझे लगा कि यार इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों को भी थोड़ा पता चल सके कि आपके साथ कैसे फ्रॉड हो रहा है इंडिया में और कैसे आपके जो मेहनत के पैसे हैं वो लूटे जा रहे हैं, तो आप इन सब से कैसे बच सकते हैं, इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। तो दोस्तों, इंडिया से या कहीं से भी अगर आप नॉर्वे से बाहर किसी कंट्री से, हम किसी कंट्री की बात करें, तो वहाँ से जॉब अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। ये नहीं है कि हमने जॉब अप्लाई की और हमें जॉब मिल गई, हम वर्क पर अप्लाई करेंगे तो हमें वीज़ा भी मिल जाएगा। नहीं, ये दोस्तों जो प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर मैं बात करूँ 100 में से, तो कम से कम 100 में से 3 या 4 लोग ही ऐसे होंगे जिनको ये वीज़ा मिलता है। तो मैं आपको इसका सारा प्रोसेस बता दूँगा कि कैसे आपने जॉब सर्च करनी है, कैसे अपना वीज़ा है जो अप्लाई करना है, आगे आपकी किस्मत, आगे आपको भी थोड़े एफर्ट्स आपने लगाने होंगे। तो चलिए, इसके लिए मैं सीधा आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहें। नॉर्वे में जॉब सर्च करने के लिए हम गूगल पे टाइप करेंगे जॉब इन नॉर्वे, तो उसके बाद हम क्लिक करेंगे वर्क इन नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट NAVP पे। ये ऑफिशियल वेबसाइट है नॉर्वे की जहाँ पे हमें सभी जॉब्स मिल जाएंगी। तो उसके बाद हमारे पास नॉर्वे की
ऑफिशियल वेबसाइट है जो ओपन हो चुकी है जॉब्स की, तो हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद ये NAV जॉब डाटाबेस है जो इसे ओपन कर लेंगे। इसे हमें ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में और आप देख सकते हैं ये सभी जॉब्स हैं जो अवेलेबल हैं नॉर्वे में। तो हमें देखनी है सीजनल जॉब्स, तो उसके लिए हम सीजनल जॉब्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जॉब्स हैं हमें शो हो रही हैं। हम यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस जॉब को ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये वेटर की जॉब है, हम इसे ओपन करते हैं। तो ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट पर्सन का नंबर है और उनकी ईमेल आईडी है। इस ईमेल आईडी पे हम अपना रिज्यूमे और कवरिंग लेटर है जो वो सेंड कर सकते हैं। अगर हमें हम इस जॉब के लिए सूटेबल होंगे तो वो हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, नॉर्वे में जॉब हासिल करने के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। एक तो हम इंडिया से भी ऐसे ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम विजिट वीज़ा पे नॉर्वे जाएं, वहाँ पर जाकर जॉब खुद ढूंढें, उससे भी हमें जॉब मिल सकती है। अगर हमारा कोई रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वहाँ पर नॉर्वे में रह रहा हो, अगर वो हमारे लिए वहाँ से जॉब ढूंढ कर हमें दे दे, तो भी हम उस पे वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था कि हम कैसे जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जॉब अप्लाई करने के बाद अगर हमें कोई जॉब ऑफर कर देता है, हमें वर्क परमिट के लिए जॉब ऑफर मिल जाती है, तो हम आगे का प्रोसेस है जो वो शुरू कर सकते हैं। तो कैसे हम अपना वर्क परमिट है जो अप्लाई करें, उसके लिए मैं आपको अभी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमें UDI की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना होगा। ये नॉर्वे की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सीजनल वर्कर्स का ये पेज ओपन कर लिया है और यहाँ पे द एप्लीकेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ, तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद ओके कर देंगे हम इसे। थोड़ा नेट मेरा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें। तो ये देखिए, हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है जो इनकी वो शो हो चुकी हैं। इसमें फुल टाइम जॉब चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी फ़ीस क्या होती है। एप्लीकेशन फ़ीस आप देख सकते हैं, ये 1300 करोना फीस होगी। और उसके बाद जो अगली रिक्वायरमेंट्स है ये इनकी, आपको फुल टाइम वहाँ पर जॉब ऑफर हुई हो जिस पे आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, या उसमें आप 1% या 2% के पास भी काम करते हो चलेगा। और जो आपके मिनिमम वेजेस हैं वो नॉर्वियन सिटीज़न के मुकाबले आपके कम नहीं होने चाहिए, उनके बराबर ही आपकी सैलरी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जिस लड़के ने मुझे मैसेज किया था, उसकी जो सैलरी थी वो 900 यूरो थी, जो कि बहुत ही कम थी। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो उसके बाद हमसे ये पूछ रहे हैं कि आप अपने बिहाफ से जो अप्लाई कर रहे हो या आपका जो एम्प्लॉयर है वो ये अप्लाई कर रहा है।
उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन सी सिटी में ये अप्लाई कर रहे हैं, द म्यूनसिपलिटी वेयर द एप्लीकेशन लिव्स। तो जैसे उनकी कैपिटल है ओस्लो, मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये चेकलिस्ट है फॉर सीजनल वर्क की, इस चेकलिस्ट लिस्ट को हमने टिक करके सभी जगह इसका प्रिंट आउट लेकर रख लेना है और उस पर साइन करके अपनी फाइल के साथ अटैच कर लेना है। हमें गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, तो यहाँ पे हमें शो हो रहा है टूरिज्म, रेस्टोरेंट, बिजनेस एंड और फिश, तो हम यहाँ पे फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू, तो अगर आपने इस पे अपना अकाउंट नहीं क्रिएट किया है तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। नीचे न्यू यूज़र के लिए क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी। तो हम यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे और सेंड कंफर्मेशन कोड कर देंगे, तो हमारी ईमेल आईडी पे हमें एक कोड आएगा जो हमें दोबारा से यहाँ पे भरना होगा और अपना अकाउंट है जो क्रिएट करना होगा। मैंने पहले से ही अपना अकाउंट बना रखा है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा। करने के बाद हमें एक दूसरा एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा, यहाँ पर है वांट टू अप्लाई और वांट टू बुक अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख लेना कि कैसे अपनी अपॉइंटमेंट है जो बुक करनी होती है। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपॉइंटमेंट की वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मिल जाए। और उसके बाद मैं न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूँगा। अगर आपने पहले भी यहाँ पे अपनी कोई एप्लीकेशन सबमिट की हुई है या बना रखी है तो आप वांट टू रिन्यू करेंगे, नहीं तो आप न्यू एप्लीकेशन करके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्री आती है उनके लिए है, और ये है एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप विज़िटर वीज़ा के लिए, विज़िटर वीज़ा फॉर ग्रुप वर्क फैमिली इमिग्रेशन के लिए, सभी के वीज़ा हैं जो इसी सेट पर अप्लाई होते हैं। द एप्लीकेंट इज़ अ सिटीजन ऑफ, मैं इंडिया डालूँगा यहाँ पर, और उसके बाद मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे स्किल्ड वर्कर्स के लिए। तो मैं सीजनल वर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो सीजनल वर्क को ओपन कर लूँगा। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आई एक्सेप्ट द लीगल डिस्क्लेमर, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो एम्प्लॉयज के लिए और दूसरा एम्प्लॉयर के लिए, कि आप खुद से अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो या आपका जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब दे रहा है वो अप्लाई कर रहा है। तो मैं यह खुद से कर लूँगा। तो ये आगे पूछ रहा है कि आप नॉर्वे में रहकर ये अप्लाई कर रहे हो या नॉर्वे के आउटसाइड, नॉर्वे से बाहर। तो मैं आउटसाइड नॉर्वे में करूँगा। तो यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे होंगे, इंडिया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप रीड कर लेना इसे एक बार।
मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। तो आगे मैं अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे फिल कर दूँगा, जैसे कि सरनेम है जो मेरा, सरनेम मैं यहाँ पे सरनेम डालूँगा, और यहाँ पे फर्स्ट नेम, सरनेम मेरा है सिंह और फर्स्ट नेम बरिंदर, कोई फैमिली नेम नहीं। यहाँ पे आप अपना सेक्स चूज़ करोगे, मेल फीमेल, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालोगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ डालोगे आप, यहाँ पर भी आपका जन्म हुआ है, जिस सिटी में भी या गांव में, उसका आप नाम यहाँ पर डालोगे। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है वो उसे आप सेलेक्ट करोगे और फिर नेक्स्ट कर दोगे। यहाँ पे आप करंट सिटीजनशिप डालोगे और उसके बाद सिटीजन एट बर्थ, नेशनलिटी आईडी अगर आपके पास है तो आप लिख दोगे, नहीं उसे ऐसे ही छोड़ दोगे। जो DUF नंबर है, अगर आपने पहले भी कभी नॉर्वे का वीज़ा अप्लाई किया है तो आपके पास ये कोड होगा, नहीं तो आप इसे ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं। तो आर यू करंटली लिविंग इन कंट्री विच यू आर नॉट अ सिटीजन, मैं इसे नो कर दूंगा क्योंकि मैं अपनी कंट्री में रह रहा हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, डू यू लिव इन नॉर्वे नो, नो। तो यहाँ पे मैं अपना करंट एड्रेस है यू वो यहाँ पे फिल कर दूंगा, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। यहाँ पे आप अपना कंट्री का एसटीडी कोड है जो कोड है वो चेंज कर दोगे, इंडिया का डालकर आप अपना फ़ोन नंबर है जो फिल कर दोगे यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है आपका कि आप नॉर्वे में जाकर कहाँ रहोगे, तो वो एड्रेस आपने यहाँ पर भरना है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो आप उसे सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। और उसके बाद है व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, आपकी जो भी लैंग्वेज है आप लैंग्वेज को चूज़ करोगे, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, जो भी आप लैंग्वेज जानते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। आई हैव रीड पे टिक करके आप इसे नेक्स्ट कर दोगे। नेक्स्ट करने के बाद ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड हिस्ट्री, ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हमने पहले भी कभी शेंगन वीज़ा अप्लाई किया है, क्या हमारे पास पहले ही शेंगन वीज़ा है। अगर है तो आप यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर हमारे पास शेंगन वीज़ा है तो हम यहाँ पे विच कंट्री आर यू नो आप सेलेक्ट करोगे, कौन सी कंट्री में आपने अराइवल किया था, आप वहाँ पर गए थे, और आपका पासपोर्ट की डिटेल्स आप इसके बाद भरोगे यहाँ पे। पासपोर्ट नंबर, इशू अथॉरिटी, कहाँ से इशू हुआ है, कंट्री का नाम, और इशू डेट और डेट ऑफ आपकी जो वैलिडिटी होगी लास्ट वो आप फिल कर दोगे। मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स के डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी, आप अपने फादर की डिटेल्स इसमें भरोगे, उसके बाद आपको आपकी मदर की डिटेल्स भी यहाँ पर भरनी होगी। अगर आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर भरनी होगी। तो आप देख सकते हैं ये हमसे पूछ रहा है कि आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, नहीं है तो हम ऐसे ही आगे चले जाएंगे। अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इनको देनी होगी। तो अभी हमसे पूछ रहे हैं कि आपका ब्रदर या सिस्टर है, तो
तो मैंने जैसे यहाँ पे टिक किया एक ब्रदर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी मुझे यहाँ पर देनी होगी। ये सेम कनाडा के फॉर्म के जैसा ही है, जैसे हम कनाडा का फॉर्म फिल करते हैं वैसे ही ये भी फॉर्म है। अगर हमारे पास नॉर्वे का ऑर्गेनाइजेशन नंबर है तो वो हम यहाँ पर लिखें, क्योंकि जो भी हमें जॉब ऑफ़र करेगा तो उस जॉब ऑफ़र पे आपका नॉर्वेजियन ऑर्गेनाइजेशन नंबर होगा जो हमें यहाँ पर लिखना ही होगा। तो आपके पास जॉब ऑफ़र होना चाहिए जब भी आप ये अप्लाई करो। तो उस पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखोगे। जो भी पर्सन हमें जॉब ऑफ़र कर रहा है तो हम उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी वर्क की डिटेल लिखेंगे कि कौन सी जॉब के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, और उस जॉब का टाइटल लिखेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे आपकी टास्क, जो भी जॉब में आपके टास्क होंगे, आप क्या करने वाले हो वहाँ पर, वो सब यहाँ पर लिखोगे। तो आपको सैलरी भी बतानी होगी। जी हाँ, आपको सैलरी बतानी होगी कि आपको वहाँ पे कितनी सैलरी दी जाएगी, तो कितने घंटे आप वहाँ पर काम करोगे वो भी आपको लिखना होगा वीक में। तो कौन सी डेट में आप वहाँ पर जाओगे और कितने टाइम का आपको वीज़ा चाहिए, वो सभी आपको यहाँ पर भरना होगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। ये सभी कंडीशंस हैं जो इनको टिक करके नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद सीधा हमारे पास पे जो फीस पे का ऑप्शन है वो आ जाएगा। फीस पे करने के बाद हमें उसका जो रिसिप्ट होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने भरा होगा, उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रख लेना है और अपने फाइल के साथ अटैच कर लेना है। नॉर्वे का सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करने का प्रोसेस। तो अब बात आती है उस गुड न्यूज की। जी हां, तो यूरोप से एक गुड न्यूज आ रही है कि यूरोप कंट्रियों के जो इंटरनल्स बॉर्डर्स हैं वो जुलाई से ओपन हो रहे हैं। तो इसके बाद जल्द ही वो अपना वीजा प्रोसेस जो शुरू कर देंगे ताकि आप लोग वीजा अप्लाई कर सको, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है जो टूरिज्म से जाता है। टूरिज्म से उनको बहुत ज़्यादा इनकम होती है, तो इसके लिए उनको जल्दी से अपने बॉर्डर्स हैं जो ओपन करने होंगे ताकि उनका इनकम सोर्स है जो फिर से शुरू हो सके। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। हो सके तो उस पर एक अलग से वीडियो भी बना दूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने पुर्तगाल के वर्क परमिट के ऊपर भी वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। जो विजिटर वीज़ा होता है वो कैसे अप्लाई करें, उसके एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं।